गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और हो गई है सुबह और आज हो गया है 30 जून, और आपको देखते हुए पता लग गया होगा आज है मेरा बर्थडे। और हस्बैंड इसलिए सुबह से उठते ही लग गए थे पूरे गुब्बारे फुलाने में, चाय भी नहीं पीती, एंड ही स्टार्टेड ब्लोइंग बलून्स। और ये आप देख सकते हैं डेकोरेशन, इतना प्यारा डेकोरेशन उन्होंने अपने आप किया, एंड आई वॉज फीलिंग सो ब्लेस्ड एंड हैप्पी टू हैव सच अ लविंग फैमिली अराउंड मी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मम्मी, सॉरी हैप्पी बर्थडे मम्मा, ये बर्थडे वाइफी। काम करनो फोटो खींच रहा है, मैं पूरा कैसे खिला दूँ? फोटो पे तुम्हें आना चाहिए। बिहाइंड द सीन सब रिकॉर्ड हो रहा है, फोटो भी खींच रही है साथ साथ। हो गया बहुत सारी खींची, अगर आंखें बंद भी आ गई एक में, दूसरे में खुली आएगी। नानू को भी खिलाओ। नानी के साथ ना। आज हमारी सवारी निकली है, कहाँ निकली है जानू, कहाँ जा रहे हैं? आज हमारी सवारी निकली है शराबी से थोड़ा आगे यहाँ पर। शराबी वराबी का नाम मत ले यार दिन में। है? तो... दुकान का नाम भी है तो उसका नाम बदल दे क्या? अपोजिट अपोजिट इतने बड़े बड़े दारू के ठेके खोल रखे हैं इन लोगों ने यार, सीरियसली। एनीवेज तो आज हम लोग निकले हैं लंच के लिए, आज संडे हो गया है, संडे लंच, सो इट्स ओनली मी एंड माई हस्बैंड। तो आज समझ लीजिए एक डेट की तरह है, आज ओनली हस्बैंड वाइफ गोइंग फॉर अ लंच। समर से हमने पूछा आप चलोगे, ही वाज नॉट इंटरेस्टेड, ही सेड कि नहीं मेरे को नहीं जाना है। तो वो गया है अपने नानू नानी के पास, वहाँ बना है चिकन, तो ही विल गो हैव लंच देयर। तो नानू ने बोला गोलू को इधर भेज दो, गोलू चिकन खाएगा। और अब हम लोग जाएंगे, हम क्या खाएंगे? हमें चिकन हम लोग भी जाएंगे और चिकन खाएंगे। एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा था। अरे तो डिस्कशन अब खत्म हो गया, अब हमको दो कार लेनी है, एक मेरी और एक फैमिली की। हाँ तो डिस्कशन ये चल रहा था, बोल रहे हैं कि अपनी कार होगी वो एकदम मस्त वाली होनी चाहिए विद इन सिटी, जिसमें ये मस्त ऐश काटते हुए घूमे। और बोलते स्टाइल मारते हुए नहीं नहीं। और दूसरा स्टेटमेंट कौन सा था, फैमिली के लिए तो कोई भी ले लो, 7 सीटर वर्षा गिरसा सब चलती है करके। तो फैमिली के साथ कॉम्प्रोमाइज किए हुए हैं। Versa is not a bad car for your information, okay? It is carrying so many families safely and soundly. हाँ, but then you want पूरा वो posh वाला फीलिंग चाहिए कि हाँ मेरे को थार चलानी है रोड पे अकेले, खोल के पूरा ऊपर से। तो फैमिली के साथ वाली फीलिंग क्यों नहीं? फैमिली ऑल्सो वॉन्ट अ लग्जरी कार, कम्फर्टेबल कार, जिसे फैमिली भी टशन में जाए। हाँ तो फैमिली अपने आप चला ले भैया फिर। चला लेगी, ठीक है, आपने तो छूने नहीं दी अपनी गाड़ी, तो फैमिली चलाए सीखे कैसे? तो अपनी खरीद के तोड़ फोड़ के सीखे भाई, हमारी गाय तोड़े। देख रहे हो गाइस, मैंने कार चलाए बकायदा, इतने पैसे डाल के लर्निंग सीखी, और लेकिन कोई गाड़ी में हाथ ही नहीं लगाने देता तो इंसान कैसे उसको सीखेगा। और मैं लाइसेंस नहीं बनवा पाई अपना, लाइसेंस का एग्जाम देने जाना था, लेकिन कोई चलाने नहीं दे रहा गाड़ी। एक दो बार बैठी मैं साथ में, ओए ओए ओए, अरे तुम कहाँ चला दोगे, अरे वहां पे लगा दोगे। तो अपनी गाड़ी से इतना प्यार, बाप रे, अपनी गाड़ी से इतना प्यार। जाने वाले थे हम लोग, कोई नहीं जाने वाला था, ठीक है, कुछ नहीं हुआ।
पेशेंस से सिखानी होती है। जो गाड़ी सिखा रहे होते ना, यू विल अग्री राइट, गाड़ी चलाना बहुत पेशेंस वाला काम है, तो सिखाने वाले को भी बहुत पेशेंस रखना चाहिए। तो रह गया मेरा वो डेट ही निकल गई, मेरा लाइसेंस ही नहीं बन पाया। तो कार सीखनी है तो मैं सोच रही हूँ या फिर सेकंड हैंड कार ले ली जाए, आई थिंक वो बेस्ट ऑप्शन है। खड़ी है देख लो ये वाली, छी ये रेवा और ये ओला, ये तो भैया कोई सामने से जरा किसी ने ठोक भी दी तो मैं पिचक जाऊंगी अंदर, उन गाड़ियों में जानी नहीं है। तो थोड़ी सी चाहिए, स्ट्रांग गाड़ी होनी चाहिए राइट, ज्यादा बड़ी नहीं चाहिए मुझे, बहुत छोटी सी चाहिए। आई डोंट माइंड जानू, मेरे को एक सेकंड हैंड गाड़ी भी अब दिला दो, ठीक है, सेकंड हैंड गाड़ी चला लूंगी मैं, सीख लूंगी ठोक पीट के और फिर बाद में नई गाड़ी ले लेंगे। प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम ठोक पीट के सीख लोगे, प्रॉब्लम ये कि किसको किसको ठोक के सीखोगे। मतलब मैं गाड़ी ठोकने की बात कर रही हूँ। ओ माय गॉड, गाड़ी अपने आप थोड़ी टूकेगी, कहीं टूकेगी, किसी को टूकेगी, कुछ भी हो सकता है भाई। नहीं, जब मैंने बोला कि ठोक पीट के मैं सीख लूंगी तो उसका मतलब है कि मेरी गाड़ी को इधर उधर स्क्रैचेस लगेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेकंड हैंड है। बट दैट स्क्रैचेस कैन बी बिकॉज यू हिट अ वॉल, यू ब्रश अनदर कार और यू हिट अ बाइक, इट कैन बी। ठीक है रहन दो जानू, अगर आप लोग बताइए, ये पूरा डीमोटिवेशन है। डर के आगे बढ़ने को जीत कहते हैं, जाओ थोड़ा सा माउंटेन ड्यू पियो, नहीं रहने दो, अपने आप ही करना पड़ेगा भाई, अपनी रिसर्च खुद ही करनी पड़ती है। गाड़ी ढूंढो, ये तो एम्बेसी का पीछे वाला गेट आ गया, दिस इज एम्बेसी बैक गेट, यही से तो आते थे हम तुम्हारे विप्रो, है ना, रोड इतनी अच्छी बन गई यहाँ। अच्छा बता दो, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जगह का नाम क्या है? हम जा रहे हैं एक, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड बैक स्ट्रीट, वी हैव हर्ड अबाउट इट अ लॉट। लास्ट टाइम हमने प्लान किया था कि जाएंगे हम बैक स्ट्रीट, कि चलो थोड़ा पास वाले किसी में चले जाते हैं, तो हम चले गए थे एक घटिया जगह जिसका नाम है ज़ोडियक। ज़ोडियक, यस गाइस, डोंट गो देयर, अगर आप मारथली कुंदन एरिया, इट वाज नॉट इवन वर्थ अ सिंगल पेनी आई स्पेंट देयर, इट वाज बैड, दे शुड हैव गिवन मी मनी टू कम एंड सिट एंड ईट देयर मैन। खाना बहुत ही, मतलब बहुत ही बेकार था, इवन वाइब वाइज इतना कुछ मजा नहीं आया वहाँ पर, सो इट वॉज वेस्ट। ये था कि हम पहुंच गए थे, बहुत थक गए थे, आई थिंक आप देखोगे मेरे प्रीवियस व्लॉग में हम लोग ज़ोडियक ही गए थे, वी डिडंट लाइक द प्लेस, वी डिडंट लाइक द फूड, तो हमने सोचा यार अच्छी जगह जाना बनता है जहाँ पे बैठ के अच्छे से खाएं। तो हम लोग फिर आज संडे निकले एंड वील हैव अ गुड फूड, होपफुली दिस प्लेस इज गुड, इसके बारे में काफी सुना है, तो चलते हैं आपको भी दिखाते हैं हाउ इज द प्लेस, हाउ इज द फूड। फाइनली पहुंच गए हैं बैक स्ट्रीट, सो दिस इज द प्लेस, हम लोग भी पहली बार आ रहे हैं तो होपफुली इट्स गुड। और यहाँ पे पार्किंग है, कहाँ लगा रहे हैं गाड़ी है, ओह ही इज गॉन दैट साइड, ठीक है चलो आने दो इनको भी। दोसा दोसा खाना है क्या? नहीं लंच में खाना है। डीजे नाइट एवरी फ्राइडे अलोंग विद पंजाबी ढोल, वेरी नाइस। कैसा लगा? देसी कॉफी, हाँ, थाई प्रॉन्स, सुपर कॉम्बिनेशन, है ना? तीखा बहुत है ना? तीखा है बट पहली बार लगता है, बट आफ्टर दैट इट हैज अ गुड टेस्ट, सो इट इज गुड, इट इज स्पाइसी बट इट्स गुड, या इट्स गुड। शाम
शाम को घर पहुंचने के बाद मैंने किया थोड़ी देर आराम और उसके बाद मैं पहुंच गई सलोन, क्योंकि काफी दिनों से टाइम नहीं लग पा रहा था कि मैं जाऊं और हेयर कलर करवाऊं, और अब बाल ज्यादा ग्रे दिखने लग गए थे। सो आई रीच टू माई डेस्टिनेशन एंड गॉट द ग्लोबल हेयर कलर डन। अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्सिंग लगता है जब भी आप हेयर स्पा लेते हैं या फिर हेयर कलर कराते हैं, तो काफ़ी रिलैक्सिंग होता है। तो मुझे भी बहुत मज़ा आया, काफ़ी दिनों के बाद मैं करा रही थी एंड फाइनली आई वॉज गुड टू गो होम विद द हैप्पी हेयर्स। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा, होप आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, एंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।